हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी और आलू दम मटर की सब्जी। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं फ्राई की तरफ। मैंने कढ़ाई को गरम कर रखा है और 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिए। ये देखिए, अब मैं इसमें जीरा और सरसों का पचफोरन था उसको मैं डाल देती हूँ। 2 लाल बड़े मिर्च डाल दिए, 2 से 4 तेज पत्ते हैं, 4 लौंग है, 10-12 काली मिर्च है, 2 दालचीनी। इसको थोड़ा गर्म हो जाए चला जाए। ये देखिए, ये प्याज है, ये हरे प्याज के पत्ते भी हैं इसमें, ये भी मैंने हरे प्याज के पत्ते और ये भी प्याज है डाल दीजिए। इसको 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। इसको आलू को भी लाल भून देंगे। दोस्तों ऐसा भुना गया है, हल्दी और अदरक का पेस्ट बनाया है, इसको डाल देते हैं 1 चम्मच। लहसुन टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको डाल देते हैं। 1 मिनट तक भूनेंगे, 1 मिनट तक तेल छोड़ने ना लगे। दोस्तों मसाला भुना गया, देखिए किनारे किनारे तेल छोड़ रहा है, मसाला भुना गया है। टमाटर डाल देती हूँ, रुक कर बड़े छोटे टमाटर हैं, इसमें मटर डाल देती हूँ। टमाटर बाद में नमक डाल, क्योंकि टमाटर से नमक गल, नमक से टमाटर गल जाए। 2 चम्मच नमक है इसमें, 1 किचन किंग 1 चम्मच है डाल देती हूँ। 2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च है 2 चम्मच। मैं इसको थोड़ा 1 मिनट भून लेती हूँ। मैं इसमें मिला है इतना मटर, मैं 1/2 केजी मटर रखे हैं, इसको डाल देती हूँ, इसको मिला लेती हूँ। मसाला भून गया है, टमाटर भी गल गया है। मैं 1 मिनट तक और इसको और 1 मिनट तक इसको भूनूंगी ढक के। दोस्तों 1-2 मिनट में बस हो गया, मैंने भून लिया, पूरा भून मसाला भुना गया है। अब मैं इसमें थोड़ी पानी डाल दूंगी, थोड़ी सी घी है, थोड़ी सी घी इसमें डाल सकती हूँ। मैं इसमें गुनगुना पानी डाल रही हूँ, गुनगुना पानी। कसूरी मेथी है, थोड़ा सा और इसे मैं सुखाऊंगी, लेकिन मैं अगर आपको ऐसा रखना है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ भी। देखिए आलू दम मटर का सब्जी तैयार हो गया है। तो मैं आटा तैयार कर लेती हूँ।
देखिए ऐसा डो मैंने तैयार कर लिया है, आटा का ऐसा होना चाहिए ऐसे। अब मैं चलती हूँ पूरी बनाने के लिए। देखिए अब मैं पूरी बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई को गर्म कर दिए हैं, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। गर्म हो जाएगा, तेल चेक करने के लिए मैं देखती हूँ गर्म एक मैं छोटी ड्रेस डाल देती हूँ, गर्म रहेगा तो मैं पूरी डालूंगी। गरम होगा, अभी नहीं हुआ है। तेल को हाई फ्लेम पर एक मिनट तक गरम होने दें, जब ज्यादा तेल गरम हो जाए तभी उसे पूरी डालें। डालती हूँ दोस्तों, जब तेल जैसे पूरी को ऊपर ऐसे ऐसे कलछी को घुमाते रहें पूरी खिल जाए। लाल होने तक छाने इसमें, यहाँ पर जैसा खाना पसंद करते हैं पूरी वैसा आप छान लें, ज्यादा ना लाल ना ज्यादा गर्म। देखिए देखिए दोस्तों ऐसा, मैं ऐसा ही कलर में खाती हूँ इसलिए आप अपने पसंद से कलर कर सकते हैं। सही एक एक करके सारी पूरी छान लें। तो देखिए पूरी और आलू दम मटर की सब्जी तैयार हो चुकी है। पूरी और मटर आलू दम की सब्जी कैसा बना है तो देखिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ, पूरी और मटर आलू का सब्जी कैसा बना है। ये दोस्तों पहले आप खाइए आपके लिए, अब बताइए कैसा लगा। देखिए मैं खाती हूँ बताती हूँ आपको। यम्मी यम्मी, इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं एक कोई और खाती हूँ बहुत तो अच्छा लग रहा है। यम्मी यम्मी, बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।